Good morning, students. Hope you all are fine. Okay, we are going to read chapter 4, Pushp Ki Abhilasha. Okay, first of all, the date is today, 15 June 2020, and the day is Monday. And your topic is chapter number 4, Kavita, Pushp Ki Abhilasha. Okay, we are going to read chapter 4. ये कविता है पुष्प की अभिलाषा. हमें अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुए लोगों का सम्मान करना चाहिए. प्रस्तुत कविता हमें अपने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करती है. चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरीडा ला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक. ओके, इस कविता से हमें क्या पता चलता है कि पुष्प की अभिलाषा क्या है. पुष्प क्या इच्छा कर रखता है, उसकी क्या इच्छा है. वो चाहता है कि ना तो मैं किसी राजा और रानी के गहनों में गूंथा जाऊँ, रानी के किसी के ना किसी प्रेमी के लिए उसकी प्यारी को ललचाने के लिए माला में गूंथा जाऊँ, और ना ही सम्राटों के शवों पर, किसी राजाओं के शवों पर, शरीरों पर, मृत शरीरों पर डाला जाऊँ, ना ही किसी देवों के पैरों पर आऊँ चढ़ाया जाऊँ ना. और कहता है कि हे माली, तुम मुझे वन में से तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंकना जहाँ पर देश को बचाने के लिए सैनिक, जिस रास्ते से वीर अनेक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हैं. कि वह फूल चाहता है कि मेरी एक ही अभिलाषा है कि मैं अपने देश के वीरों के पैरों के तले आऊं और किसी चीज़ के लिए ना प्रयोग किया जाऊं. ओके, आज हम पढ़ेंगे इसके. पहले तो ये इसके हैं, उचित शब्द पर टिक लगाकर कविता की पंक्तियाँ पूरी करो. चाह नहीं प्रेमी डैश में, प्रेमी माला में, किस में, माला में. चाह नहीं डैश के शव राजा सम्राटों, चाह नहीं डैश के शव राजाओं सम्राटों वीरों सम्राटों, मातृभूमि पर डैश चढ़ाने, पैसे कूल शीश. मातृभूमि पर क्या चढ़ाने, शीश. हाँ, इसके बाद है बेटा इसके कठिन शब्द, मैं अभी आपको लिखती हूँ बोर्ड पर. नंबर वन पर चकुआ ह चाह, नंबर टू बूथा, नंबर थ्री सम्राटों, फोर हर ह रख छोटी हरी, भाग्य भगवा आधा ग य, इथलाऊ पथ शी. ये है इसके कठिन शब्द. एक चा भूथा सम्राटों, हरी हर, इसको बोलते हैं हर, भाग्य इठलाऊं, पथ शीश. अब हम करेंगे इसके शब्द अर्थ. शब्द नंबर वन पर चाह. चाह क्या होती है, इच्छा. नंबर टू सम्राट. सम्राट किसको बोलते हैं, राजा.
नंबर थ्री भाग्य, किस्मत, नंबर फोर पथ, रास्ता, नंबर फाइव गूंथा, गूंथा का मतलब क्या होता है, पिरोया जाना माला में, गूंथा पिरोया, नंबर सिक्स हल, भगवान, नंबर सेवन इठलाऊं, इतराऊं, अपने आप पर घमंड करना। शीश, सिर, ये थे इसके कठिन शब्द और ये हैं बेटा शब्द अर्थ। और इस कविता का भाव क्या है, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की इच्छा। फूल क्या चाहता है कि वो किसी की माला में न गूंथा जाए, किसी राजा और रानी के शव मृत शरीर पर न चढ़ाया जाए, किसी देवों के पैरों पर न चढ़ाया जाए, सिर्फ सैनिकों के पैरों के तले आकर वह अपने आप को नछावर करना चाहता है। समझाइए आपको। थैंक्स।